students, this video is for the 7th class students and in this video we are going to solve exercise 11.3 from question number 6 onward. So question number 6 is Seema wants to put a lace on the edges of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Okay, find the length of the lace required and also find the cost of 1 meter of the lace cost rupees 15. तो बच्चे क्वेश्चन को पहले समझिए अंडरस्टैंड कीजिए. यहाँ पे बोला गया है कि जो सीमा एक लेस लगाना चाहती है कहाँ पे, जो सर्कुलर टेबल कवर है, एक सर्कल शेप का टेबल का कवर है, मतलब वो टेबल सर्कल शेप है में है तभी तो उसका कवर भी सर्कल शेप का है. ओके, और उसका कवर का डायमीटर कितना है, 1.5 मीटर. डायमीटर गिवन है, आपने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड टू लेस रिक्वायर्ड. कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स दैट ये वो कवर है. ओके, टेबल का कवर है और इसका डायमीटर है, डायमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये दिया गया है 1.5 मीटर. क्लियर, ये इसका डायमीटर है. अब इसके एजेस, एजेस होते किनारे, लेस वो यहाँ पे लगाना चाहती है, सेंटर में नहीं लगाएगी, इसके एरिया में नहीं लगाएगी, ओनली कॉर्नर्स पे यहाँ यहाँ वो लेस लगाना चाहती है. उस लेस की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट भी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो सारी लेस कहाँ पे लगेगी, ओनली एजेस पे, और ये क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है दिस वन. सो इट मीन्स अगर मैं सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करूँगी इस सर्कल की, तो वो सर्कमफ्रेंस मेरी क्या होगी, लेंथ ऑफ द लेस. लिखना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, वो कितना है आपके पास, 1.5 मीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2. क्यों? क्योंकि ये पूरा है डायमीटर और इसको यहाँ से तोड़ूंगी तो ये क्या होगी, रेडियस. और आपको मैंने पहले भी बताया था जब डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस मिल जाती है. और अब लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर दैट इज इक्वल टू 2πr. यह है हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला. वैल्यू पुट कीजिए, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह आपको बोला है 3.14, आपने वैल्यू फिल करनी है, मल्टीप्लाइड बाय, अब आर की वैल्यू क्या है, 1.5 अपॉन 2 मीटर. 2 से 2 कैंसल, क्लियर. अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 को 1.5 से. जब हम 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो हमारे पास आता है 4.710. अब देखो डेसिमल कैसे लगाया, ऊपर देखेंगे डेसिमल से पीछे कितने कितने प्लेस हैं, यहाँ पे है 1, 2 और उसके बाद यहाँ पे 3, तो टोटल 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, 1, 2, 3 डेसिमल लग गया, तो आपके पास ये कितना आ गया, 4.71. आपको पता है डेसिमल के बाद ज़ीरो लगाओ ना लगाओ, ओके, डजेंट मैटर, साथ में यूनिट क्या है, मीटर. क्लियर, ये पास हमारे पास आ गई सर्कमफ्रेंस और यही है हमारे पास लेंथ ऑफ लेस जो चाहिए. तो आप लिख लो देयरफॉर द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज, देयरफॉर लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेंस इज इक्वल टू 4.71 मीटर. अब बच्चे आपके पास दिया गया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, आपने सारी की फाइंड आउट करनी है. लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज इक्वल टू, कितनी दी गई है कॉस्ट 1 मीटर की, 15 रुपये, इसलिए 15 रुपीज़. आपने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ, टोटल कितनी आई आपके पास, 4.171 मीटर लेस, दैट इज इक्वल टू 1 की जो है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपीज़ 15 मल्टीप्लाइडेड बाय 4.71 मीटर. ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर किस में आएगा बच्चे, रुपीज़ में. कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, और इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा रुपीज़ 70.65. ये है आपके पास कॉस्ट ऑफ लेस विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द एजेस ऑफ द
सर्कुलर टेबल कवर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप. अब सर्कुलर का टेबल है और उसका टॉप पॉलिश करना है, इट मीन्स सर्कल है वो एक, ठीक है. कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पॉलिशिंग की. ओके, डायमीटर कितना दिया गया है 1.6 मीटर. इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. एक मीटर स्क्वायर पे अगर आपने पॉलिश करना है तो 15 रुपये खर्च आएगा. आपने टोटल फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू यहाँ पे लेनी है 3.14. इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू कितना गिवन है 1.6 मीटर. बच्चे आपको पता है जब आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है मीटर स्क्वायर में बोला गया है पूरा एरिया पॉलिश तो पूरे एरिया को करेंगे, ऐसा तो है नहीं, एजेस को कर देंगे. ओके, सो इसके लिए आपको इस ये जो सर्कुलर टेबल टॉप है इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक के हिसाब से 15 से मल्टीप्लाई करके एरिया को आपके पास वो कॉस्ट आ जाएगी. डायमीटर पता है, रेडियस चाहिए. रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू रेडियस कैसे आती है डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 मीटर. ओके, अब आपके पास ये कितनी आ जाएगी 0.8 मीटर. ये आपके पास आ गई रेडियस. अब आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप. एरिया क्या आएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू यहाँ पे बोली है 3.14 लेनी है आपने. आर की वैल्यू 0.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.8 मीटर. क्लियर, ये क्या बन जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करके सारा मल्टीप्लाई करके आपके पास एरिया आएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर. क्लियर, ये बच्चे आपके पास आ गया एरिया टोटल जो सर्कुलर टॉप है. अब आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग वन मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के कॉस्ट यहाँ पे भी हमारे पास सेम 15 रुपीज़ है. क्लियर, अब आप करेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से. 2.0096 मल्टीप्लाइडेड बाय 15. सो आंसर क्या आएगा आपके पास, आएंगे तो रुपीज 30.414 रुपीज अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है. इतने आपके रुपीज लगेंगे अगर आपने उस सर्कुलर टेबल के टॉप को पॉलिश करना है. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. अब सर्कुलर का कार्ड की शीट है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है. ये वो शीट है, इसकी रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर दी गई है. टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड. इस शीट में से बच्चे ये जो दो सर्कल रिमूव किए गए हैं इनकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर ईच. इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर, इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड ये रेक्टेंगल जो रिमूव हुई है इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ इसकी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर. ओके, आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. जो शीट यहाँ पे बच जाएगी उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 22/7. अगर मैं टोटल इस पहले सर्कुलर कार्ड शीट की एरिया फाइंड आउट कर लूँ और उस एरिया में से इन दो सर्कल्स का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो रिमेनिंग कार्ड शीट है उसका एरिया बच जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट. सर्कुलर शीट की रेडियस है 14 सेंटीमीटर. सो एरिया क्या होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू आएगा पाई आर स्क्वायर. सो 22/7 पाई की वैल्यू आर की 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर. अब देखो 7 × 2 = 14, यहाँ पे बचा 22 × 2 × 14 सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर.
22 मल्टीप्लाई टू 44 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लिख लीजिए, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, ये जो पूरी बड़ी वाली कार्ड शीट थी ना, इसका एरिया आ गया। अब आप लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, सर्कल्स इनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर लिख ली। एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स, ये जो दो छोटे छोटे सर्कल्स हैं इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या करेंगे बच्चे, एक का एरिया फाइंड आउट करेंगे क्योंकि रेडियस तो सेम है, उतना आएगा दूसरे का, उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो आया 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, पाई की वैल्यू फिल कर दी, आर की फिल कर दी। सो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 35 अपॉन 10 एंड 35 अपॉन 10 डेसिमल्स रिमूव कर दिए, तो अपॉन नीचे 10 आ जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद ओनली वन डिजिट था, तो नीचे एक एक ही जीरो आएगी। सो यहाँ पे ये देखो 7 से 35 कट हो गए, 7 5 सा 35, और इस 5 से 10 कट हो गए, 5 1 सा 5 5 टू ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ये कैंसिल हो गया आपस में, आपके पास बचेगा 22 मल्टीप्लाई 35, और अगर 22 मल्टीप्लाई 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास आएगा 770 अपॉन 10, ये 10 भी बचे हैं ना, और डेसिमल, अब देखो डेसिमल लग जाएगा ऊपर क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है, एक डिजिट बचनी चाहिए डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे बन गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आ गए टू स्मॉलर सर्कल्स के एरिया। अब फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो ये वाली है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आपको पता है, एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट कंप्लीट है जो, माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो शीट का एरिया आया था हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस टू सर्कल्स का एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको ऐड करके बन गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस करके आ गया यहाँ पे 536। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। थैंक्स।